संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्राउन प्रिंस ने खुद अपने हाथों से सम्मानित किया। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम राष्ट्र की ओर से मिला ये 6ठा सम्मान है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान के रुदाली बने रहने के बावजूद मोदी इस्लामिक जगत से भारत के संबंध को बेहतर बनाने में सफल रहे हैं। साथ ही यूएई का ये सम्मान इस बात का भी घोतक है कि आतंकवाद के मसले पर भारतीय कूटनीति सफल और प्रभावी रही है, जिसने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। पीएम मोदी को हालिया में मिला सम्मान इस बात की पुष्टि करता है कि मुस्लिम देशों से भारत के कूटनीतिक सांस्कृतिक संबंध पहले की तुलना में एक अलग और नए मुकाम पर है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई द्वारा दिए गए पुरस्कार की पाकिस्तान में काफी निंदा की जा रही है। पाकिस्तान ट्विटर पर #shameonuae चल रहा है। इसमें ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को मिले पुरस्कार से चिढ़े हुए हैं, पगलाए हुए हैं और मुस्लिम देश यूएई के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन भारत को मुस्लिम देशों से मिल रही तरजीह पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है, खासकर इसको देखते हुए कि वो इस्लामिक देशों में भारत को अलग थलग करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद किया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान समेत अन्य हुक्मरान ने इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि उसे पूरी तरह से मुंह की खानी पड़ी और इक्का दुक्का देशों को छोड़ सभी ने भारत का समर्थन किया। इससे पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि ये नया भारत है, जो न सिर्फ दुनिया को अपनी तरफ करने की कुव्वत रखता है, साथ ही इस फेर में आतंकवाद के पोषक देश को पूरी तरह से अलग थलग करने पर भी सक्षम है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।